वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं करोजन की। लास्ट टॉपिक में हमने देखा कि कॉम्बिनेशन डीकम्पोजिशन रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होता है। अब हमारे इस चैप्टर के सिर्फ दो टॉपिक रह गए, एक करोजन और एक रेंसिडिटी। इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं करोजन के बारे में। करोजन का मतलब क्या होता है? अगर हम करोजन का मतलब समझें तो करोजन मीन्स होता है कि जब कोई एलिमेंट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसों से रिएक्शन कराने की वजह से खराब हो जाए तो उसी को हम करोजन कहते हैं। यानी टार्निशिंग ऑफ एलिमेंट ड्यू टू द रिएक्शन विद द एटमॉस्फेरिक गैसेस इज नोन एज करोजन। अब इस करोजन में होता क्या है? हम लोग देखे होंगे कि चांदी की जो चीजें होती है वो काली हो जाती हैं, वहीं कॉपर की जो चीजें होती है वो हल्की हरी दिखने लगती हैं, और अगर हम लोहा देखें तो वो देखेंगे तो वो कैसा हो जाता है, वो ब्राउनिश हो जाता है, उस पर रस्टिंग आ जाती है। तो ये है क्या? ये टार्निशिंग ऑफ एलिमेंट। अच्छा, ये क्यों होता है? कोई भी एलिमेंट चाहता है कि वो अपने सबसे स्टेबल स्टेट में आ जाए, तो वो एटमॉस्फेयर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस से कंबाइन करके रिएक्शन करके वो एक स्टेबल स्टेट बना देता है। तो वो एलिमेंट को लगता है कि हम स्टेबल में स्टेट में आ गए, लेकिन वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी को क्या कर देता है? खराब कर देता है। तो करोजन क्या है? करोजन इज अ प्रोसेस इन विच द टार्निशिंग ऑफ एलिमेंट टेक प्लेस ड्यू टू द रिएक्शन विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फॉर व्हाट पर्पस? टू गेट अ स्टेबल स्टेट। अब हम इसमें समझते हैं कि कुछ हमें चीजें बताई, जैसे एग्जाम में या कई जहां ये चीज बताई जाती है कि करोजन का मतलब है कि कोई भी चीज एटमॉस्फेयर किसी भी गैस से रिएक्शन कर हो जाए, लेकिन पर्टिकुलरली हर गैस का रिएक्शन पर्टिकुलरली अलग अलग एलिमेंट के हिसाब से समझा जाएगा। जैसे हमारे पास एक कॉपर का बर्तन है, उस कॉपर के बर्तन को हम एटमॉस्फेयर में रख दिए तो वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। ये कॉपर ऑक्साइड में दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कॉपर ऑक्साइड तुरंत एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर से कंबाइन करके कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा जो कि ब्लू कलर का होता है। फिर यही कॉपर ऑक्साइड सल्फाइड से भी रिएक्शन के एटमॉस्फेयर में है, रिएक्शन करा के कॉपर सल्फेट से रिएक्ट बना लेगा जो कि ब्लू कलर का होता है। फिर यही कॉपर ऑक्साइड एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से भी रिएक्शन कराएगा और कॉपर कार्बोनेट बना लेगा और वो कि ग्रीन कलर का। इसीलिए तांबे का बर्तन अगर जब हम देखते हैं तो वो हल्का सा ग्रीन और ब्लू में दिखाई देने लगता है। एग्जैक्टली अगर तांबा बात करें तो वो ब्राउन होता है, एकदम शार्प ब्राउन होता है, लेकिन जब वो खराब होता है यानी सीधे कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर की गैसेस से रिएक्शन कराता है तो वो ब्लूइश ग्रीन दिखाई देने था। वो ब्लूइश ग्रीन रिएक्शन होने का रीजन ये है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हम सिल्वर ले लेते हैं, सिल्वर को एटमॉस्फेयर रखें तो एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस सिल्वर से रिएक्शन करती है और सिल्वर सल्फाइड बनाती है। सिल्वर सल्फाइड का जो कलर होता है वो कैसा होता है? ब्लैक होता है। तो ब्लैक कलर होता है इसीलिए चांदी देखते हैं कि काली जाती तो मानते हैं कि ये क्या हो गई, पुरानी हो गई है, खराब हो गई है। ठीक उसी तरीके से हम रस्टिंग देखते हैं। रस्टिंग का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आता है कि रस्टिंग कैसे होती है, इसका फॉर्मूला लिखिए। आयरन जो होता है वो सबसे पहले ऑक्सीजन से कंबाइन कराता है, जब आयरन ऑक्सीजन से कंबाइन कराएगा तो बनाएगा Fe2O3। अब ये Fe2O3 मॉइस्चर से रिएक्शन कराता है, मॉइस्चर कितना भी हो सकता है इसीलिए यहाँ X लिखा जाता है, इट कैन बी 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो Fe2O3 रिएक्ट विद द मॉइस्चर टू फॉर्म Fe2O3 और XH2O। ये पूरा रस्ट का फॉर्मूला होता है, एग्जाम में कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट? तो होता क्या है? Fe2O3.XH2O। तो ये तीनों केस में हमने देखा कि जो एलिमेंट है वो खराब हो रहे थे, लेकिन कभी कभी करोजन कुछ एलिमेंट के लिए वरदान भी बनता है। जैसे एल्युमिनियम की बात करें, अगर एल्युमिनियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे तो बनेगा Al2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड। जब एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है तो क्या होता है? सपोज कर लेते हैं ये एल्युमिनियम है और जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो उसके ऊपर एक परत आ जाती है ऑक्साइड की। अब ये जब परत ऑक्साइड की आ जाती है तो ये फर्दर किसी और चीजों से रिएक्शन नहीं होता है, और यहाँ पर एल्युमिनियम के ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर है वो उसके लिए प्रोटेक्टिव लेयरिंग बन गई। नाउ एल्युमिनियम कैन नॉट रिएक्ट विद एनी अदर थिंग, किसी और चीज से एल्युमिनियम रिएक्शन नहीं कराएगा। एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है और अब ये किसी और चीज से रिएक्शन नहीं करा रहा है। तो एल्युमिनियम के केस में ये क्या होता है? फायदेमंद होता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एल्युमिनाइजिंग। एल्युमिनाइजिंग मतलब होता है व्हेन एल्युमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड। It is a part of corrosion, but it is a beneficial for the aluminium and it is known as aluminizing. अब हम बात करते हैं कि हम corrosion से बचे कैसे। सबसे पहला तरीका होता है painting। एक बात याद रखते हैं, corrosion हमेशा irreversible है,
यानी कोरोजन सही नहीं हो सकता है लेकिन कोरोजन से बचा जा सकता है। कोरोजन सही नहीं हो सकता है, कोरोजन से बचा जा सकता है। पेंटिंग कर दीजिए तो वहां कोरोजन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये मान लीजिए कोई मेटल है, जब आप पेंट कर देंगे तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी। अब ये पेंट जो होगा वो सारी चीजों को सफर करेगा, जो मेटल है वहां तक नहीं पहुंचेगा। ठीक उसी तरीके से ऑयलिंग भी किया जा सकता है, यहाँ पर ऑयल लगा दीजिए तो ये तो भी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पढ़ना है उसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक। जिंक की एक लेयर लगा देते हैं जिसके वजह से जो भी हार्मफुल इफेक्ट होता है वो जिंक के ऊपर होता है, ना कि उस मेटल के ऊपर होता है। तो ये बातें किसकी हुई? कोरोजन के बारे में मैंने कहा। कोरोजन मतलब क्या है? कोरोडिंग ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का खराब होना। और एलिमेंट अलग अलग गैसों से रिएक्शन करके अलग अलग तरीके से खराब होता है, वो मैंने यहां समझाया। इससे बचा भी जा सकता है, बचने के लिए पेंटिंग, ऑयलिंग और गैल्वेनाइजेशन जैसे प्रोसेस को करना पड़ेगा। थैंक यू।